हेलो स्टूडेंट, आई एम सारिका साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर इन भारती कॉलेज ऑफ फार्मेसी. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉपिक राउल्ट्स लॉ इन सॉलिबिलिटी ऑफ ड्रग्स. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज वॉच द प्रीवियस वीडियोज, दैट्स ऑलरेडी कवर द टॉपिक्स, दैट इज एसोसिएशन, सॉल्वेशन फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सॉलिबिलिटी एंड रियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. ओके एंड रियल सॉल्यूशंस. Okay, so in this video we have to discuss about the Raoult's law. Okay, so let us start the video. राउल्ट्स लॉ जो है हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है, रियल सॉल्यूशन क्या है. ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन जो इन सारे जो लॉज हैं उनको फॉलो करता है वो आइडियल सॉल्यूशन होता है. ठीक है, और जो फॉलो नहीं करता है वो रियल सॉल्यूशन होता है. ओके तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है राउल्ट्स लॉ. ओके तो राउल्ट्स लॉ में क्या होता है देखते हैं. चलिए, राउल्ट्स लॉ पढ़ने से पहले हम देखते हैं जो डाल्टन्स लॉ है. ठीक है, डाल्टन्स लॉ क्या कहता है, डाल्टन्स लॉ. ओके तो डाल्टन्स लॉ के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, तो मान लीजिए ये एक जार है. ठीक है, ये जार है. ठीक है, अब इसमें कुछ ना कुछ जो लिक्विड है उसका प्रेशर होगा. ठीक है, वेपर प्रेशर होगा, प्रेशर होगा. ठीक है, बंद जार है तो. ठीक है, अब इसमें देखिए जो ये जो कंटेनर है, ठीक है, इसमें गैसेस जो हैं वो भरी हुई हैं. ठीक है, गैस भरा हुआ है उसमें. ठीक है, तो इसमें जो गैस भरी हुई है तो इस कंटेनर में ए गैस भरी हुई है, बी गैस है एंड सी गैस है. ठीक है, कंटेनर में कोई गैस ए बी सी है. ठीक है, अब इस ए गैस का जो प्रेशर है, ठीक है, इसमें कोई ना कोई पार्शियल प्रेशर होगा. ठीक है, तो उसका जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हो जाएगा प्रेशर ए बी पी ए. ठीक है, इसका पार्शियल प्रेशर होगा पी बी, इसका पार्शियल प्रेशर होगा पी सी. ठीक है, इससे कोई ना कोई पार्शियल प्रेशर होगा इस गैस का इस कंटेनर के अंदर में. ठीक है, तो जो डाल्टन्स है वो ये बोलते हैं कि इस पूरे कंटेनर का जो प्रेशर है वो पूरे के पार्शियल प्रेशर के एडिशन योग या सम के बराबर होगा. ठीक है, तो इस ए गैस के लिए जो पार्शियल प्रेशर था वो क्या था, पी ए था. ठीक है, अब डाल्टन्स का ये बोलना है कि ये जो इस कंटेनर का जो प्रेशर है, ठीक है, ये इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो ए बी सी तीनों गैस के वेपर पार्शियल प्रेशर के प्लस के बराबर होगा. ठीक है, योग के बराबर होगा. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं ये जो टोटल जो इसका प्रेशर है, ठीक है, टोटल प्रेशर इक्वल्स टू जो गैसेस के जो प्रेशर है उसके एडिशन के बराबर था ये. ठीक है, तो ये हो जाएगा पी सी. ठीक है, ठीक है, अब इसको हम दे देते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन वन. ठीक है, ये कहना था डाल्टन्स लॉ का कि इस कंटेनर के अंदर का जो प्रेशर है, इस कंटेनर का जो प्रेशर है वो पूरे के पार्शियल जो अंदर जो भी गैसेस हैं उनके पूरे के पार्शियल प्रेशर के योग या सम के बराबर होगा. ठीक है, तो ये हो गया. या आप एक तरीके से और समझ सकते हैं, ये आपका कोई आप मार्केट गए. ठीक है, मार्केट में आपने सब्जी खरीदी. ठीक है, अब उसमें आपने 5 kg, ठीक है, आपने जो भी सब्जियां रखी तो उस इस पूरे जो आपके बैग है, ठीक है, इस पूरे बैग का जो वेट होगा वो हो गया आपका टोटल जो वेट है वो हो गया 10 kg. ठीक है, 10 kg जो वेट है. तो अब इसके अंदर आपने जो सामान लिया था ए बी सी डी, ठीक है, तो वो हो गया आपका, आपने आलू लिया था 5 kg. ठीक है, फिर 3 kg आपने प्याज ले लिया था. ठीक है, ओनियन, देन 2 kg आपने लहसुन ले लिया था. ठीक है, तो इन सभी के वेट का अगर हम प्लस करें, इन सभी के वेट को अगर हम प्लस करें तो ये बराबर 10 kg हो गया. ठीक है, ये तो ये था डाल्टन्स का लॉ. ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ. ठीक है, अब हम डाल्टन्स लॉ के बाद में अब नेक्स्ट हम देखते हैं राउल्ट्स लॉ. ठीक है, तो राउल्ट्स का क्या कहना है देखते हैं हम. राउल्ट्स जो है, ठीक है, अब डाल्टन के नियम के बाद हम राउल्ट का नियम जो है वो अप्लाई करते हैं. राउल्ट लॉ अप्लाई. ठीक है, तो राउल्ट ने बताया कि जब कोई गैस किसी कंटेनर में होता है तो उसका अपना पार्शियल प्रेशर होता है. ठीक है, जब कोई जो गैस है किसी कंटेनर में जब वो होता है, ठीक है, तो उसका खुद का अपना एक प्रेशर होता है. ठीक है, खुद का अपना पर्सनल प्रेशर होता है उस मॉलिक्यूल का, उस गैस का. ठीक है,
तो और फिर उस कंटेनर के अंदर एक अलग प्रेशर होता है उसका, ठीक है, खुद का अलग प्रेशर होता है और कंटेनर के साथ में फिर उसका अलग प्रेशर बनता है, ठीक है। तो राउल्ट के हिसाब से देखिए, मिक्सचर जो होता है ये हमारा ए बी एंड सी, ठीक है। तो राउल्ट का कहना है, ठीक है, कि उसका खुद का एक वेपर प्रेशर होता है, ठीक है, तो राउल्ट के हिसाब से ए जो गैस है उसका खुद का अपना वेपर प्रेशर होगा, ठीक है। तो ये वेपर प्रेशर ए हो गया, ठीक है। फिर जो दूसरा गैस है उसका भी वेपर प्रेशर होगा, तो वेपर प्रेशर बी, वेपर प्रेशर सी, ठीक है, इन सभी का वेपर प्रेशर होगा। और क्या कहना है इसका, इसका कहना ये है कि इन सभी का वेपर प्रेशर के साथ साथ इनका मोल फ्रैक्शन भी होगा, ठीक है। तो ए गैस का जो मोल फ्रैक्शन होगा, ये मोल फ्रैक्शन ए, ठीक है। उसी तरीके से बी का भी कुछ ना कुछ मोल फ्रैक्शन होगा, तो वो हो गया एक्स बी, ठीक है। सी जो गैस है उसका भी मोल फ्रैक्शन होगा, तो ये हो गया सी, ठीक है। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, कुछ ना कुछ इसका फ्रैक्शन होगा, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन को हम ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन जो होता है, मोल फ्रैक्शन जो होता है आप जानते ही हैं, एक मोल अपॉन टोटल का मोल, ठीक है। फ्रैक्शन जैसे हम कहते हैं, ठीक है, वन मोल अपॉन टोटल, टोटल का मोल, ठीक है यहाँ पर, ठीक है, तो वन मोल अपॉन टोटल मोल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें, तो अगर अगर हम ये एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमने क्या क्या लिया था उस कैरी बैग में, ठीक है, जो बैग था उसमें हमने 5 kg, 3 kg, 2 kg, ठीक है, इतना इतना सामान लिया था, ठीक है। अब इसका जो मोल फ्रैक्शन होगा वो कैसे हो जाएगा, अगर हमने जो आलू है, ठीक है, अगर हम आलू का देखें तो कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन, हमने 5 kg अगर आलू लिया था, तो एक मोल अपॉन टोटल का मोल, ठीक है, टोटल कितना था 5 + 3 + 2, ठीक है। अगर दूसरे ओनियन का अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, 3 किलो हमने ओनियन लिया था, 3 अपॉन मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3 + 2 टोटल, ठीक है, जितना है उस उतने अपॉन टोटल, तो ये होते हैं मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसको हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स ए, एक्स बी, एक्स सी, ठीक है। तो वही है ये एक्स ए गैस के लिए, एक्स बी बी गैस के लिए, एक्स सी सी गैस के लिए, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो राउल्ट ने बताया, किसी भी लिक्विड में गैस ये सॉल्यूशन या गैसियस मिक्सचर जो कंटेनर में है उसका जो पार्शियल प्रेशर है उसके वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, जो राउल्ट है, राउल्ट ने कहा कि किसी भी लिक्विड या गैसियस लिक्विड जो है, मिक्सचर जो है, तो कंटेनर में उसका जो पार्शियल प्रेशर है वो वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है। मतलब किसी भी कंटेनर का जो, ये जो कंटेनर है, कंटेनर का जो वेपर प्रेशर, जो कंटेनर का जो प्रेशर है, ठीक है, कंटेनर का जो प्रेशर है क्या होता है, कंटेनर का जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, पी इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ठीक है, जो पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, वो वेपर प्रेशर, ये लिखा है वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा राउल्ट्स का लॉ, ठीक है, ये राउल्ट का नियम है, ठीक है। ये हो गया आपका पार्शियल प्रेशर, ये हो गया वेपर प्रेशर और ये हो गया मोल फ्रैक्शन, ठीक है। अब तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, तो गैस पी ए गैस जो है, पी ए गैस, ठीक है, ये पी ए गैस, ठीक है, तो इसका वेपर प्रेशर, इसका पार्शियल प्रेशर क्या होगा पी ए गैस का, तो जो गैस है अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, ये क्या है, ये बोलते हैं राउल्ट्स लॉ, ठीक है, ये हो गया आपका राउल्ट्स लॉ। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ठीक है, ए गैस का जो है, गैस ए का जो इस फॉर्मूला में पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए, वेपर प्रेशर है, इनटू मोल फ्रैक्शन ए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो बी गैस के लिए क्या होगा, पी बी इक्वल्स टू पी नॉट बी इनटू
मोल फ्रैक्शन बी। इसी तरीके से थर्ड वाले गैस का पार्शियल प्रेशर वेपर प्रेशर सी इंटू मोल फ्रैक्शन सी। ठीक है, ये हो गया तीनों। ठीक है, अब इस इक्वेशन को या इस ये जो राउल्ट्स लॉ के लिए जो हमने लिखा है, अब इसको अगर हम डाल्टन्स के लॉ में अगर फिट करें तो क्या होगा। ठीक है, तो डाल्टन्स का लॉ कौन सा था, ये जो फर्स्ट वाला हमारा डाल्टन का लॉ था इक्वेशन वन। ठीक है, दिस इज डाल्टन्स लॉ। ठीक है, तो अब इसको हम डाल्टन्स लॉ में अगर रखें, ठीक है, तो क्या होगा, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर वन। ठीक है, ये जो वैल्यूज हैं इसको हम क्या करेंगे, पुट, अब ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन जो कि डाल्टन्स लॉ था। ठीक है, यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें हमने पुट किया, तो सारे वैल्यूज़ को जब हम पुट करते हैं, ठीक है, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी इन प्लस पी नॉट सी इंटू एक्स सी। ठीक है, ये हो गया, दिस इज़ राउल्ट लॉ। ठीक है, यही है राउल्ट का लॉ है। ठीक है, ये जो सारे वैल्यूज़ थे हमारे, ठीक है, ये इसको हमने पुट किया था इसमें। ठीक है, तो इसमें पुट करने से क्या हुआ, ये वाला इक्वेशन मिला हमको। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन मिला है यही हमारा राउल्ट लॉ है। ठीक है, तो इसमें क्या और क्या बोला जा रहा है यहाँ पे कि इफ़ दे अगर ये जो इक्वेशन है इसको वाकई में अगर ये जो सॉल्यूशन है अगर फॉलो कर रहा है तो वो होता है आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर वाकई में ये जो टोटल पार्शियल प्रेशर है इक्वल्स टू वेपर प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन के ये जितने हैं, ठीक है, इनके इनटू का जो सम है, ठीक है, अगर वो कोई सॉल्यूशन फॉलो करता है इनके इन सभी के इनटू का जो सम है, ठीक है, अगर वो टोटल प्रेशर है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन जो है वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, अगर दूसरा केस अगर हम देखें, ठीक है, इफ़ ये जो चलिए एक इसकी बात करें, अगर जो तो जो हमारा प्रेशर था वो लेस देन है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के और सम के, अगर वो कम है सम इनका सम किया जाए और इससे कम है, ठीक है, एक ही कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि वो ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये जितना भी इनका गुणनफल है इनका जो मल्टीप्लिकेशन है और उसका सम जो है, ठीक है, उसके अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, तो कम और ये ज़्यादा, ठीक है, ये दो कंडीशन होंगी। तो अगर ये कम है तो ये कहलाएगा हमारा नेगेटिव डेविएशन और अगर ये ज़्यादा है तो ये कहलाएगा हमारा पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, कैसे इसको इस तरीके से समझिए, अगर आपने कुछ देर पहले हमने बात किया था कि हम सब्ज़ी लेने के लिए जब मार्केट जाते हैं तो जब हमारे बैग में हम जब सब्ज़ी जो सब्ज़ी है जब डालते हैं, ठीक है, तो आप इस तरीके से समझिए, हमने टोटल 10 kg का लिया था। ठीक है, अब जो टोटल 10 kg है उसमें से 5 जो था हमारा आलू था, ठीक है, 3 जो था हमारा प्याज था और 2 kg हमारा लहसुन था। ठीक है, तो हमने जब घर आके देखा तो वो अगर फिर से हम उसको तौलते हैं तो वो जो है वो कितना हो जा रहा है, 9 kg हो रहा है। ठीक है, टोटल जो 10 था वो अब हमारा हो गया है 9 kg। ठीक है, तो 9 kg हो रहा है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि इन सभी 5 kg 3 kg और 2 kg में से कोई ना कोई जो है वो कम तौल आया होगा, तभी उसका जो टोटल वेट है वो 9 हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव डेविएशन। अब एक और कंडीशन है, जबकि हम घर आते हैं तो ये जो 5 kg 3 kg 2 kg हमने लिया था उसमें वो ज़्यादा निकल गया, यानी कि 11 kg या 10.5 निकल गया। ठीक है, 10.5 kg निकल गया, तो हो सकता है एकाध आलू या एकाध प्याज या कुछ जो है वो ज़्यादा आ गया हो। ठीक है, तौलने में थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया गया हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आ गया होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव।
तो अब देखिए, अगर ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो शो कर रहे हैं, उन सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं? रियल सॉल्यूशंस, ठीक है। जो सॉल्यूशन नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो सॉल्यूशन कहलाते हैं रियल या नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, ठीक है। अब सो स्टूडेंट्स, राउल्ट्स लॉ यहाँ तक फिनिश होता है। देन इसके बाद का जो टॉपिक है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। दैट इज़ इन पार्सली मिसिबल लिक्विड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।